हिंदुस्तान तो है पूरा, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल घोषित हो पूरी तरीके से, हम ये भी तो चाहेंगे। तो वो अगर चुनाव, अगर चुनाव का मुद्दा लेके अगर वो सीटें और ज्यादा कांग्रेस की ले लेता है तो हमारे लिए खुशी की बात है, इसमें गलत क्या, बहुत अच्छी है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर जो भाजपा को नहीं मानता तो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि हमको मंदी से नहीं मतलब है, मंदी तो आस्था तो सबके अंदर है भगवान के प्रति, लेकिन हमको कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई चाहिए, महंगाई कम चाहिए, रोजगार चाहिए। जो बेरोजगारी का आलम है जिसके अंदर ये है कि बेरोजगारी में हर कोई ये चाहता है कि जल्द तेजी से पैसा आ जाए और जल्दी से वृद्धि करे। इतना तेजी से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है ना, हर कोई आदमी स्लो स्लो बढ़ेगा, पर आजकल के जितने युवा हैं वो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजी से आगे कोई नहीं बढ़ेगा, स्लो स्लो बढ़ेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, आप सही से काम करो अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उनके। हर मोदी जी जब आए थे 2014 में आने वाले थे, जब सरकार इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा, क्या लगता है? देखो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो सारा चुनावी एजेंडा है, उसके बारे में मत सोचो। चुनाव जब होता है तो हर कोई पार्टी थोड़े थोड़े फैसला लेती है जो गलत है सही है, हमें तो बीजेपी चाहिए। और जिसको बीजेपी नहीं, अपने जीवन काल को जीवन संघर्ष बनाने के लिए शिक्षा चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा में नौकरी रोजगार चाहिए, क्या बेरोजगारी? जब धर्म ही नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे रहके करोगे क्या? तो अलग क्षेत्र में जैसे आपको बेरोजगार इस समय आप रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए? मंदिर तो कहीं भी, देखो रोजगार अपने आप बनाने से बन जाएगा। कैसे बनेगा? आप घर पे बैठे रहोगे तो रोजगार तो आपके पास आएगा नहीं ना। आदमी ठंड में बोलेगा 10 बजे मैं सो के उठूंगा तो रोजगार तो आपके घर पे आ नहीं जाएगा, आपको सुबह ही उठ के प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करोगे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता बेरोजगार रहो। और जो कहेगा बेरोजगार है वो मेहनत ही नहीं कर रहा है अपने आप से। मेरा मानना ये है कि बेरोजगारी जिसने पैदा किया है वही खत्म कर सकता है। बेरोजगारी मेरे हिसाब से सरकार ने नहीं पैदा किया। किसने पैदा किया है? लोगों ने पैदा किया है और इसे लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, किसी भी सरकार को दोषी ठहराना भी गलत बात है, क्योंकि सरकार पैदा नहीं करती। अगर सरकार पैदा करती तो सरकार को हम दोषी ठहरा सकते थे। इसमें सरकार नहीं, लोगों का भी दोष है, हमें खुद सोचना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में सोचना चाहिए। हर इंसान को ये बात सोचने समझने वाली है कि अगर हम 4 पैदा कर रहे हैं तो 4 को खिलाने की हमारी औकात है कि नहीं, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये हर माँ बाप को सोचना चाहिए। अगर ये माँ बाप नहीं सोच रहे तो ये माँ बाप की गलती है। 10 साल में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया क्या? नहीं, बढ़ रहा है जिस हिसाब से, लेकिन आपके कहने से मेरे कहने का मतलब है इस हिसाब से होना चाहिए कि मतलब गरीबी, मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिख ना पाए एकदम बिल्कुल, आप 4 पैदा कर दे रहे रोड पर लगा दे रहे और रोड पर आपका बच्चा भीख मांग रहा है 4-4 पैदा कर, ऐसा भी हो रहा है भाई साहब। 10 साल में ज्यादा पैदा हो गए? 10 साल के मैं ये नहीं कहूँगा 10 साल में पैदा हो, लेकिन जो बढ़ रहा है उसको रोकने की सोचना चाहिए। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम गरीब हैं, मैं गरीब हूँ तो मुझे ये बात पता होना चाहिए कि अगर मैं खुद खा नहीं पा रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को ऐसे खिलाऊंगा तो, और 4 पैदा कर दूंगा तो उनकी हालत क्या होगा, ये माँ बाप को सोचना चाहिए, ये सरकार थोड़ी सोचने आएगी। सरकार अपनी जगह सही है भाई, हमें ये सोचने। कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन हैं, तो 3 भाई हैं, लेकिन देखो एक बात मेरा मानना है कि हम जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता। माँ बाप सोचे नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते। अच्छा। लेकिन अब से हम बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में उसे बदल। हमें अब ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा होगा तो कैसे रहेगा, अगर हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो रोड पे क्या करेगा, घूमेगा इधर उधर करेगा, मतलब उल्टा सीधा ही काम करेगा, चोरी डकैती करेगा, उसे नहीं मिलेगा खाने पीने को तो क्या करेगा। तो ये बात हमें माँ बाप को सोचना चाहिए, माँ बाप सोचेंगे तो ये खुद ही बेरोजगारी धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लग जाएगी। और सरकार पूरा सहयोग कर रही है भाई साहब, सरकार को हर बात के लिए आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। सरकार किस लिए बनाई जाती है, बताइए? सरकार बनाई गई है तो हर बात के लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सरकार को हर बात के लिए नहीं। आपका कहना साफ क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब सरकार भी अपनी जगह सही है, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। बच्चा पैदा करने का मतलब होता है एक जिम्मेदारी लेना, तो आप ये देखो कि आप उसे अच्छा खिला सकते हो, पिला सकते हो। फिर से ये क्वेश्चन करो, 10 साल में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया क्या? 10 साल में बढ़े चाहे 20 साल में, ये सोचना नहीं, जितना है अभी हमें प्रेजेंट का कंडीशन देखना होगा, पहले जो था वो छोड़ो, अभी हमें अभी क्या सोचना है। अब हम पीछे के लेके सोचे तो ये गलत बात है, हम अभी प्रेजेंट में क्या करते, क्या ये पहले बताओ। मैं अभी काम करता हूँ। काम में क्या? अभी प्राइवेट है, सरकारी नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट हूँ। पढ़ाई क्या की हो आप? मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया? अगर आपको बीकॉम करके आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो क्या सर? मुझे नहीं, पहली बात मुझे एक मिनट मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे नौकरी करने का शौक ही नहीं है। अच्छा, नहीं पहली बात मुझे शौक ही नहीं है। अच्छा। और मुझे सरकार क्या नौकरी दे, अगर मैं ही सरकार के भरोसे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ही सरकार के भरोसे बैठ जाऊँ तो सरकार किसके भरोसे बैठेगी?
सरकारी तो इसलिए सुनी जाती है ताकि हमारी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं, मुझे नौकरी किसी की करनी नहीं, चाहिए किसी और को चाहिए। भैया आपको चाहिए नौकरी सरकारी? आइए आइए सामने आइए, चाहिए तो उसके लिए आइए। अरे कुछ नहीं बात नहीं, आओ भैया आओ 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 जाओ। अगर आपको सरकारी नौकरी आपको सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया, बीए बीए किया जी। क्या क्या कब से तैयारी वारी कर रहे हो आप? हाँ कर रहे हैं, यूपीपी की कर रहे हैं। अभी यूपीपी की पुलिस की भर्ती आई है, एक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करोड़ों में है, करोड़ों में कई करोड़ों में है, लेकिन नौकरी कितनी आई है? 60,000 कुछ है। आपको इससे हो जाएगा कितने बेरोजगार है अपने उत्तर प्रदेश में? अब सबका तो नहीं होगा भैया, जो उसके लायक होगा उसका होगा ना। लेकिन आपको बता दें कहीं एक समुद्र में से एक लोटा जल निकाला जा रहा है, जैसे इतनी करोड़ों की संख्या बेरोजगारी में कितने को नौकरी दे सकती है बताओ? सरकार किस किस को नौकरी देगी ये बताओ? सरकार सबको नहीं, सरकार किस किस को नौकरी देगी पहले ये बता दूंगा। योग्य मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ये बात हमें सोचनी चाहिए कि सरकार हर किसी को नहीं दे सकती। और जो सीटें हर कोई आसे नहीं ले भी नहीं सकता नौकरी, कोई ले लेकिन कम से कम अगर करोड़ों की संख्या है लाखों में तो वैकेंसी निकालनी चाहिए कि नहीं? हाँ निकालनी। देखो कुछ और मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी कमी ठीक है। आप स्टूडेंट है, हम मैं बात करूँ 2014 से अभी दूसरी पंचवर्षीय राज्य सरकार की भी चल रही है और केंद्र सरकार भी चाहिए, ये तीसरी वाली पंचवर्षीय चल रही है, आने वाली है, 24 में आ चुकी है। तो आप बताओ अगर दो आपका लगभग 7-8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो आप बताओ अगर ये इतने साल में आप 62,000 नौकरी निकाल रहे हो, बाकी पीट का पेपर आपने निकाला उसकी रिजल्ट नहीं आया, बाकी तमाम प्रकार के आए, तो क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ कमी सब में है, कमी सब में है, सरकार में कमी है, ऐसी बात नहीं, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन है, कमी है। सरकार को भी अपनी कमी सुधारनी चाहिए, इसलिए सुधारनी चाहिए। अगर मान लो चलो आप आज हमारे साथ गलत करके चले जाते हो, अगली बार फिर कैसे आओगे भाई साहब? अगर अगली बार आनी है तो इस बार की तैयारी करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमी सब में है, सरकार में भी है, लेकिन हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराना कि सरकार को हर बात में टारगेट करना ये गलत है। सरकार भी अपनी जगह ठीक है, हाँ कमियां सरकार में भी है, सरकार को भी सुधारना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए इस बात को कि भाई साहब अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हमें ये चुनेंगे क्यों जी? अगर आपको देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी ने दुनिया में चुना है आए हो तो मतलब आपको समझ के चुना है, चुना बड़ी उम्मीद से चुना है, तो आपको उसके उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। खरा नहीं उतरे ना तो उतना नहीं उतरते कोई भी नेता सोचता ही नहीं। कितना उतरे हैं? लेकिन उतरे हैं, लेकिन बताओ हमें किसी मैं किसी को नहीं कह सकता किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं इस सही है ना, क्यों नहीं है भैया? कोई भी सरकार है देखो, आ नहीं रही एसएससी में, कितनी सारी नौकरियां आई, कितनी वैकेंसी आई, कितनी आई? अरे यार लगभग अभी 48,000 सबसे बहुत ज्यादा भरा आपने? हाँ भरा मैंने। कब है उसका डेट आ रहा है? किसका पेपर का? 18 फरवरी है। हाँ है। क्या लगता है चुनाव को टारगेट में किया गया है? भैया कुछ भी टारगेट में है नहीं निकालना चाहिए, इसके पहले नहीं निकालना चाहिए था। अरे तो क्या हुआ भैया, जब कोई दूसरी वैकेंसी आ रही होगी, मतलब उसका सबसे पहली बात ये थी कि उसका जो क्या था भैया टेंडर अंडर कोई ले नहीं रही थी कंपनी अभी तक, अब जब कंपनी मिली है तो अब आ गए वैकेंसी, और उसके बाद यार भाई 60,000 आई है, सबसे बड़ी वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है जी। हम कह रहे हैं अगर 22 में चुनाव हुआ पिछले विगत वर्ष 22 में, दो साल भी सरकारी करती है भैया, जैसे जब इलेक्शन होने वाला होता है नहीं ठीक है, सरकार जो है अपने साथ चाहती है जो है कि मतलब लोगों के भलाई के साथ अपना भी भला देखना चाहती है, इसीलिए कुछ भी काम करती है तो उसमें पहले अपना भला देखती जरूर है, चाहे जो सरकारें आए, चाहे जो आए, चाहे जो आने वाली हैं प्रेजेंट टाइम में जो है, वो सब लोग अपना ही भला जैसे आदमी तो देखता है तो सरकार तो बिल्कुल देखेगी भैया हम इधर सत्ता में टैक्स लगाना जरूरी है। अब ये तो हम नहीं कह सकते, आप खाने के सामान में लगा देते हो वो योग्य है, आप किसी में लगा शिक्षा में टैक्स, अगर आदमी शिक्षा में अगर आप सरकार शिक्षा में टैक्स लगा देगी तो आदमी पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग आप लोग पढ़ोगे तो देश की सुरक्षा करोगे, देश के लिए कुछ करोगे, बिल्कुल। अगर आप ही के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा शिक्षा के माने में तो आप क्या करोगे? तो बिल्कुल गलत है, जो है कुछ माने नहीं पूरा गलत, क्योंकि पूरा गलत है वो शिक्षा के माने में टैक्स लगाना, ये शिक्षा के माने नहीं लगाना, क्योंकि सोचना चाहिए कि हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो जरा सा भी एफर्ट नहीं करते पढ़ाई, लेकिन तभी वो कर रहे हैं, किसी तरीके उनके माँ बाप 300 रुपए की मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो यार ये तो गलत है अगर टैक्स लगा इस पर। हाँ जहाँ टैक्स लगा सकते हैं लेकिन शिक्षा में टैक्स लगाना बहुत गलत बात है, गलत बिल्कुल निशुल्क करने की सोचना चाहिए कि इन्हें 12th तक मतलब जहाँ तक शिक्षा निशुल्क सब पढ़े सब बढ़े। हाँ तो नारा लगाने से तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा भैया, गरीब ऐसा करो कि हर बच्चा ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ सके, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए। मैंने जहाँ तक देख रखा है कि माँ बाप फ्री ना पढ़ाए उसके लिए एक लिमिट आप लगा सकते हो, फीस लगा सकते हो, लेकिन टैक्स लगाना
चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए उसके लिए। सेमेस्टर बाई कह दिए कितना पैसा लग रहा है? ये तो सेमेस्टर तो बहुत गलत किए भैया, बहुत ज्यादा। एक साल में फर्स्ट ईयर बीए कंप्लीट करने में 5-4 हजार रखते थे, आज 10 हजार लग रहा है, 15 हजार। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए सरकार। क्यों? सरकार को तो वो करना चाहिए कि हमारा देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, सोच ये होनी चाहिए। शिक्षा में जितना आप फ्री कर सकते हैं, शिक्षा को जितना कर सकते हैं कीजिए, क्यों? तभी तो बच्चा पढ़ेगा। मैंने देखा माँ बाप खुद घर में, खुद मैंने कितने माँ बाप होंगे जो अपने खुद खाते पीते नहीं होंगे, कोई अपने मनपसंद का खाना मुश्किल से बहुत कमी लोग खाते होंगे गरीबों में, और फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। मैंने कितने को देखा है। एक बार लास्ट में 24 में किसको चुन रहे हैं आप लोग भैया? किस क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दे के बारे में? मैं बताऊं, मैं किसी सरकार से खुश नहीं हूं, खुश मत को खराब मत होने दीजिएगा, तो इसलिए कह रहा हूं सरकार से खुश नहीं हूं। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए 24 में क्या टारगेट बना के करोगे। एक मिनट, मैं किसी को वोट नहीं देने वाला, किसको सबसे मैं पूछो, किस 24 में क्या टारगेट बनाओगे कि यही मेरा मुद्दा रहेगा अगर सरकार वही कंप्लीट करेगा? कल कुछ लिखा था, एक सेकंड जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा, देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ, बीजेपी से तो चल नहीं रहा देश, तो कांग्रेस कैसे चला देगी? और 70 सालों में कुछ हुआ नहीं है, तो फिर बेरोजगारी कैसे भगा देगी? कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार उस लेवल पे नहीं आ रही है, बीजेपी को नहीं चल रही है, कांग्रेस ने भी 70 साल में कुछ नहीं है, तो अगला कौन? लेकिन कांग्रेस, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, देखो कोई भी सरकार आए, बीजेपी अच्छी सरकार, हाँ ये है कि सरकारों में थोड़ी बीजेपी सरकार अच्छी है, बस ये करना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़ानी चाहिए, कि गरीब का घर का मतलब गरीब के बारे में सोचना चाहिए, कि गरीब का घर चलना चाहिए। अगर देश में कोई भी, मैं मेरा मानना ये है कि अगर गरीब कोई भी गरीबी से भूखे मर रहा है या बेरोजगारी में टेंशन में जी रहा है, तो ये सरकार का दोष है, सरकार का भी दोष है, कि उस सरकार को सोचना चाहिए कि मेरे देश में कोई भी गरीबी से भूखे ना मर जाए और या गरीबी में ना रहे, सरकार को ये सोचना चाहिए, ताकि तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे नाम होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर नाम करना है तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं सोचते। लास्ट सवाल पूछेंगे सभी से, क्या टारगेट बना के क्या मुद्दा रहेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो, एक मिनट, इंडिया या एनडीए, इस दोनों लोग पार्टियां से क्या मुद्दा होगा कि 2024 में आप लोग टारगेट बना के वोट? जब से हम तो समझदार हुए हैं तब से बीजेपी की सरकार देखी है। अच्छा, ठीक है, 10 साल में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले उतना समझदारी नहीं थी कि जो है कि सरकार में इतना एनालिसिस कर पाए, लेकिन जब से समझदार हुए हैं तब से बीजेपी के बारे में देखा जाए तो काम बढ़िया कर रही है, सारी सरकारों से अच्छा काम कर रही है, तो हम तो कहेंगे कि जो है अगली 24 में इसी को भाई चुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, राम की नगरी में जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।